मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी देने का फैसले की बात हो, हमारे देश की महिलाएं जो 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थी, वैसी हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने, आजादी दिलाने का काम हो, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, 40 करोड़ जो जनधन खाते खोले गए हैं उसमें 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के हैं, कोरोना काल में करीब 30,000 करोड़ रुपए इन बहनों के खाते में जमा कर दिए गए हैं, मुद्रा लोन 25 करोड़ के करीब मुद्रा लोन दिए गए, उसमें 70% मुद्रा लोन लेने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो खुद का घर मिल रहा है उसमें अधिकतम रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर 1 रुपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। 6,000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे।